बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे किताब दुरुस्त लुगत अलरबिया। पीडीएफ के ऊपर है, पेज नंबर 24 और दरसुल खामिस पांचवा सबक है। इसमें हम पोसेशन के बारे में सीखेंगे कि मुजाफ क्या होता है, मुजाफ ले क्या होती है, ये आसान से ये बाकी चीज़ें। तो इसको आप फातिमा साहब आप सही दें और हलीमा साहब आप यासिर हैं, ये मुकालमा शुरू कर दें। जी सर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सईद में आ किताब मुहम्मद के किताब मुहम्मद की है या यासिर की? गलत, थोड़ी सी गलती होगी। यानी कि सर सईद ने यासिर से पूछा है, सईद ने यासिर से पूछा अच्छा, क्या ये मोहम्मद की किताब है यासिर। एक ठीक मिनट। है, अच्छा यानी यासिर से पूछ रहा है वो। बिल्कुल, यासिर को मुखातिब किया उसने। ठीक अच्छा लीमा साहब, आज आपने हैंड फ्री लगता नहीं लगाई दोबारा, ठीक है, आपकी आवाज़ बहुत ख़राब आ रही है। हलीमा साहबा, आपको आवाज़ आ रही है? तो जी सर नेट का मसला है। वो जो दूसरा मोबाइल है उस पे चल रहा है नेट, आपका जो दूसरा नंबर है? नहीं जी, उस पे नहीं चल रहा। चलो ठीक है, फिर से भी गुजार कर नहीं जी, दें। उस पे नहीं चल रहा। हैंड फ्री भी नहीं है? नहीं जी, चलें पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है। सर मैं पढ़ू या फिर वो पढ़ू? फातिमा सईद है और हलीमा यासिर है। ठीक है, सही दूं। आ किताब मुहम्मद हाजा या यासिरु, यासिर क्या ये किताब मुहम्मद की है? यासिर ला हाजा किताबु हामिदिन, यासिर नहीं ये किताब हामिद की है। सईद अईना किताबु मुहम्मद, मुहम्मद की किताब कहाँ है? यासिर हुआ आला अलल मकतबे होना का, वो यहाँ पर मकतब पर पढ़िए। वहाँ हुना का मतलब है वहाँ, हुना का वहाँ पर, वो वहाँ मेज पर पड़ी है। वहाँ सईद अईना दफ्तरु अमारी, अमार का दफ्तर कहाँ है? अमार का रजिस्टर कहाँ है? ठीक है, ठीक है, रजिस्टर, अमार का रजिस्टर कहाँ है? ठीक है, हुआ आला मकतब المدرسي, वो उस्ताद के मेज़ पर है। ठीक है, सईद कलम मन हाजा या अली, कलम ये अली कलम किसके है सर? अली, ये कलम किसका है? अली ये कलम किसका है? ठीक उस्ताद का है। हाजा कलम المدرسي, ये कलम उस्ताद का है। ठीक है, सईद आईना हफियत उसका ये क्या है? अइन हकीबतुल हकीबतु मुदरिसी, मदरसे सर, हकीबतु का मतलब बैग, क्या है? बैग। बैग। ठीक है, उस्ताद का बैग कहाँ है? ठीक, अलीयुन हिया तहत अल मकतबी, वो मकतब के नीचे है, ठीक है मेज वो। के ठीक है, नीचे है। जी। मेज तो के, इसमें मेज हमने के। ये चीज़ सीखी है कि जैसे लफ्ज़ है किताबु हामिदिन, हामिद की किताब, तो जो मालिक होता है उसको हम मुजाफ इलैह कहते हैं, जो चीज़ मलकियत में होती है उसको हम मुजाफ कहते हैं। तो मुजाफ हमेशा पहले आता है और मुजाफ इलैह बाद में आएगा, और जो मुजाफ होता है उसके ऊपर दम्मा यानी कि पेश लगाते हैं, जबकि जो मुजाफ इलैह होता है उसके आखिर में कसरा या कसरतैन, जिसको हम तनवीन भी कहते हैं, वो लगाते हैं। जैसे किताब व हामिदिन, किताब व मुहम्मदिन, इन सब में देखें इसके मुजाफ के ऊपर दम्मा है और दूसरे के आखिर में कसरा या तनवीन है, कसरतैन। तो ये चीज़ें बस हमने जी सीखी हैं। आगे तमरीन मशकें, अजीब बनीला सिलत लातिया, नीचे दिए गए सवालों का जवाब दें। तो फातिमा आप सवाल पूछें, बल्कि हलीमा आप सवाल पूछें, फातिमा आपको जवाब देंगी। जी बारी असल तिलातिया थी,
أين كتاب محمد؟ محمد محمد كتاب كتاب كهف. كهف. جی كتاب أين آئے سر؟ نہیں کیا آئے گا؟ هذا كتاب هو على المكتب. ठीक है, आईना किताबु मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है? हुवा अलल मकतबी, वो मेज पर है। أين كتاب يا عمارين؟ عمار کی تمہاری کتاب کہاں ہے؟ تو سر یہ بھی اس کا بھی یہی لگا سکتے ہیں، ہوا على المكتب. ठीक है, जवाब हमें कोई भी, बस मतलब सही होना चाहिए। हो आला मकतबी, वो मेज पर है। अच्छा, أين حقيبة المدرس؟ استاد کا بیگ کہاں ہے؟ هي تحت المكتب. ठीक है, ही या तात अल मकतबी, वो मेज के नीचे है। अगले सफ़े पे आ जाएं। अज़ेफ़ अल कलिमत अल ऊला इला सानिया, पहले लफ्ज़ को दूसरे में मिलाना है, शामिल करना है हमने। तो किताब उनका मतलब है एक किताब, मुहम्मद नाम है। इसको अब हमने मुजाफ इलैह वाले सिस्टम में डाल के किताब मुहम्मदिन, मुहम्मद की किताब। तो किताबों का मतलब है उस किताब मुजाफ इलैह है, किताब मुजाफ सॉरी किताब मुजाफ है और मुहम्मदिन मुजाफ इलैह है। तो इस तरह ठीक है जी फातिमा शुरू हो जाए। जी सर. किताब मुहम्मदिन, मुहम्मदुन किताब मुहम्मदिन ऐसे सर. किताबु मकतबुल मुहम्मदिन, मुदर्रिसु ठीक है। मुहम्मदिन ठीक है. मकतबुल मुदर्रिसु तो ये आएगा मकतबुल मुदर्रिसी ठीक है. कलामुन हामिदुन, कलामुन हामिदी. कलामु जो मुफ्ताहुल मुजाफ होता है उसके कलम. ऊपर एक पेश आती है सिर्फ। ठीक है कलामु हामिदीन. मुफ्ताहु, मुफ्ताहुन अलबैती, अलबैतु तो ये आएगा मुफ्ताहु खुला हुआ है. मिफ्ताहुल बैती, ठीक है. मिफ्ताहु अलबैती, मिफ्ताहु अलबैती आएगा. ठीक है। आगे है बैतु अब्बासिन ठीक है. ये आएगा बैतुल, बैतु अब्बासिन. ठीक है। दुकान ताजिर तो ये आएगा दुकान ताजिरिन. ताजीरी एक आएगी, क्योंकि ताजीरू के ऊपर सिर्फ एक पेश है ना, तो जब ये मुजाफ इलैह बनेगा तो इसके नीचे सिर्फ एक कसरा आएगी। दुकानु ताजीरी। ठीक सर. जिसके ऊपर एक पेश होगी उसके नीचे एक जेर आएगी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल कसरा आएगी. बिल्कुल, और जिसके ऊपर ठीक है दो सर. पेश दो दमा होंगी उसके आखिर में फिर दो कसरा आएंगी। ठीक है सर. ठीक है. गुरफा तो अली है तो इसका आएगा गुरफा तो अली ही. ठीक है, अलीन सही है। ठीक है. बैतुल मुहंदिस हुए तो बैतु, बैतुल मुहंदिसी ठीक है। तो दफ्तरुन सही दिन तो ये आएगा दफ्तरु सही दिन. ठीक है। इस्मु वालिदी, इस्मुल वाला दी, मुंदीलु इस्मुल वाला दी। वाला दी, जी दी अलीमा, वाला दी, अलीमा आगे आप वाला दी पढ़ें। ठीक है. वाल ठीक है. मिंदीलु, मिंदीलु यासिरिन. ठीक है। किताबुल्लाही. ठीक। कमीसु अम्मारिन. ठीक है। बिन्तु तबीबी. ठीक है। سرير خالد. ठीक है। مفتاح السيارة. ठीक है जी, किसी लफ्ज का मतलब है अगर ना आए तो पूछ लिया करें। मुहंदिसों का मतलब कैसा है? इंजीनियर, बैतुल मुहंदिसी, इंजीनियर का घर। आगे, इकरा वक्तु मा दब्ति अवाखिर सर. कलिमाती। सयारती कार को कहते हैं. बिल्कुल, सियारा कार को कहते हैं। सियारा का मतलब है कार, ठीक है, और शरीर का मतलब है पलंग। अच्छा, पलंग. अगले सवाल में वो कह रहे हैं हरकात की मजबूती के साथ इनको आप पढ़ें भी और लिखें भी। तो फातिमा साहब आप पढ़ें। ठीक
ठीक है, बाबुल मुदर्रसाती। गलत। मुदरिसा उस्तानी को कहते हैं और बाब दरवाजे को कहते हैं। उस्तानी का दरवाजा नहीं हो सकता। हाँ, बाबुल मदरसा। बाबुल मदरसती, ठीक है। ठीक है ना। हमारू हमारू रजुली, हिमारुर राजुली हिमारुल रजुली मतलब भाई तू। हाँ, हिमारुल रजुली ये हमार एक आदमी है, गधे हिमार गधे को कहते को। ठीक हैं, जो डोंकी होता है उसको हिमार कहते हैं। आदमी का है, गधा। आदमी ठीक है। का गधा। ठीक है भाई, तू हामिद, सही है। हामिद का घर, सैयारा ठीक। तू मुदीरी, यानी प्रिंसिपल का की कार, सियारतुल मुदीर मुदीर मुदीरी। हमारी, सियारतुल मुदीरी। सैयारतुल मुदीरी, प्रिंसिपल की कार, मुदीलू अमार, ऐसी मुदीलू मिंदीलु अमारिन। जी हलीमा, आगे आप पढ़ें। इस मुताली भी आसमान फी किताब मुंबई अल्लाही। मुदर्रिस, मुंबई मुदर्रिस ठीक है। बिल्लाही फी किताब अल्लाही, जी बिल्लाही। जी जी किताब अल्लाही, मुंबई तिल मुदर्रिसी, ठीक है। साथ के घर से अलल मकतब मुदीरी, प्रिंसिपल के मेज पर। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि हमने ये पढ़ा था कि मुजाफ के ऊपर हम दम्मा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आखिर में तीन लफ्ज़ लिखे हुए हैं, फ़ी किताब अल्लाही, किताब मुजाफ है लेकिन हमने कसरा लगाई है। बैत तो वैसे बैतुल मुदर्रिसी होता है, लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा है मिन बैतिल मुदर्रिसी अला मकतबिल मुदीरी। कर आप दोनों में से क्या कोई बता सकता है हमने कसरा क्यों लगाई है? यहाँ पर हरफे जार आया है, बिल्कुल, हरफ जर की वजह से हमने मुजाफ के ऊपर भी कसरा अला लगा दी। तो ये फी है, मिन है, अला है, ये तीनों हरफ जर हैं। आगे इकरा पढ़ो। ये हलीमा साहबा आप ठहरें, इनमें से 10 जुमले पढ़ें। अगले सवाल के पहले 10 जुमले आप पढ़ें। सर मैं पढूं, पढ़ूं जी हलीमा, पढ़ें पहले 10 जुमले। हाँ भाई तुल मुदर्रिसी, टीचर का घर कहाँ पे, भाई तुल और अल कुरान किताब अल्लाह ही, कुरान अल्लाह की किताब है, ठीक। तो भाई तिला ही काबा अल्लाह का घर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम रसूल अल्लाह ही, मोहम्मद सल्लम अल्लाह के रसूल है, खरज मुदर्रिस मिन अल गुरफत अल मुदीरी, टीचर प्रिंसिपल के कमरे से निकले, हाजा बैत हामिदिन वजालिक बैत खालिदिन, ठीक। ये हरकत करते इब्नु अमारिन तालिबुन। जी आवाज आ रही है, ये सुने। सातवां है, इब्नु अमारिन तालिबुन वबनु यासिरिन ताजिरुन। इसमें वाव के बाद जो अलिफ है उसके ऊपर आप देखें, ये हमजतुल वसल का साइन है। जब भी ये साइन होता है तो हम, अगर इससे पहले कोई हर्फ हो तो हम अलिफ को साइलेंट कर देते हैं। अब यहाँ अलिफ से पहले वाव है, इसलिए हम इसको अलिफ को साइलेंट कर देंगे और पढ़ेंगे वबनु
वबनु यासिरिन ताजिरुन, इस तरह पढ़ना। ताजिरुन अम्मा अरे ताले से बोल अम्मार तालिब इलम है, नहीं अम्मार का बेटा तालिब इलम है और यासिर का बेटा ताजिर है। ठीक है जी। बैतुल मुदर्रिस बाईदुन, उस्ताद का घर दूर है। वो बैतु ताजिरिन, वो बैतु ताजिरिन करीबुन। ताजिरी, वो बैतु ताजिर करीबुन, ठीक, और ताजिर का घर करीब है। गाड़ी चाबी है। अयन मिफ्ताहुल बैती, और घर की चाबी कहाँ है। मन अंत या वलदी, या वलदू, या वलदू, ए लड़के आप कौन हो। ए लड़के आप कौन हो। अरे अब्बास में अब्बास का बेटा। सर बस जी, फातिमा आपकी बारी अब। वबनु मन हुआ, और आप कौन हो। गलत, हुआ का हुआ मतलब है वो किसका बेटा है। वबनु हुआ, वबनु मन हुआ, वो किसका बेटा है। हुआ इब्नु, हुआ इब्नु खालिद, वो खालिद का बेटा है। ठीक है। अईना मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद यानी कहाँ है। ठीक हुआ है। मदीना मुनव्वरा, वो मदीना तो मुनव्वरा में है। बिनती हामिदिन फी मदरसती, हामिद की बेटी मदरसा में है। ऐसे ही सर, सही है। स्कूल में है। बिनती मुहम्मदिन फिल जामिया, बिंतु, और वह बिंतु मुहम्मदिन फिल जामिया, और मोहम्मद और मोहम्मद की बेटी यूनिवर्सिटी में है। ठीक है जी। इसने मुदर्रिस से, इस मुल मुजाफ के पूरा हमेशा दम्मा। इस मुल मुदर्रिस से सईद हूँ। ऐसे ही सर, सही है। उस्ताद का नाम सईद सईद है। इस वस्मुल मुहंदिसी, वस्मुल मुहंदिसी खालिदुन, और इंजीनियर का नाम खालिद है। अम्मा तालिब, सर ये क्या, अम्मु तालिबी गनी। ठीक है। अम्मु तालिब, अम्मु तालिबी गनीयुन, तालिबे इल्म का जो चचा है वो अमीर है। अम्मु तालिबी तालिबे इल्म का चचा। बाबुल मस्जिद मफ्तूहू, और बाबुल मदरसा तो मदरसती मुगलकुन, मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ और स्कूल का दरवाजा बंद है। ठीक है सर। मुगलकुन का मतलब क्या है। बंद है। ठीक है। खाल ये क्या सर, खाल खालू, खाली खालू हामिदिन, खालू हामिदिन फकीर हूँ। हमीद हामिद का मामू, हामिद की खाला या हामिद का खाला। हामिद का मामू, मामू ठीक है। हामिद हामिद का मामू गरीब है। ठीक है। सैयारत सैयारत अब्बासी, अब्बासिन शारी, अब्बासिन ठीक है। सैयारा तो अब्बासिन फिर शारी सर, शारी का मतलब क्या, सड़क, सड़क ठीक है। अब्बास की कार सड़क में है। ठीक है। सड़क में है, सड़क में भी है, पे भी है। ठीक है। अइनु मन अंता, इब्नु मन अंता, इब्नु मन अंता, आप किस के बेटे हो, बेटे आप कौन हो। ठीक है।
बेटे आप कौन हो? इब्नु मन अंता, बेटे आप कौन हो? अना इब्नुल मुदर्रिस, मैं उस्ताद का बेटा हूँ। ठीक है। अना अनल कलब, अनल कलब कलबू ये कुत्ता कहाँ कलबू, अना कलबू कुत्ता कहाँ है? ठीक है हुआ तहत सियारती वो कार के नीचे है। ठीक है जी। आगे कवलन कविन जुमलन मुफीदतन बीमा लिल फराग फीमा याली, वो कह रहे नीचे बामाइनी जुमले बनाए बीमा लिल फराग बाय फिलिंग द ब्लैंक्स फीमा याली जो नीचे हैं। तो फातिमा साहब आप पहले 5 फिल करें। तो ये बंद है, तो मुझे नहीं आ रहा ये पहला। भाई ती यानी कि आपको नजर आ रहा है कि मुजाफले है तो इसकी मलकियत में कोई चीज होनी चाहिए जो बंद है। मुगलकुन बंद होती है तो घर की क्या चीज बंद हो सकती है? दरवाजा बंद हो सकता है। बाबुल बैती मुगलकुन जी, घर का दरवाजा बंद है। ठीक है सही। आईना आईना सर, आईना आईना का मतलब क्या होता है सर? कहा कहाँ? ठीक है आईना। अम्मा से यार क्या नहीं कहते हैं यहाँ पे? देखिए सियारा के आखिर में कसर लगी हुई है तो इसका मतलब है ये मुजाफिले है। तो गाड़ी की कुछ चीज के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कहाँ है, गाड़ी की वो जो फलानी चीज है कहाँ है। ठीक है तो सर चाबी का, चाबी को कहते हैं, चाबी को क्या कहते हैं? मिफ्ता अइना मिफ्ता हुस सियारती, गाड़ी की चाबी कहाँ है? मस्ताहु सियारती। ठीक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाही। जी मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाही। सर तबीबी क्या होता है? तबीबी का मतलब क्या है? डॉक्टर अच्छा मुजाफ के साथ कभी अलिफ लाम नहीं लगता, अगर लगाएंगे तो गलत होगा। तो बई तु तबीबी बई दुन भाई। तो तभी भाई तो अल कुरान किताब अल्लाह ही तो सही है, तो अल कुरान किताब अल्लाह ही। ठीक है। अल कुरान व किताबुल्लाह जी। अलीमा आपकी बारी आ गई। खदीजत उख्त हामिदिन, खदीजा हामिद की बहन है। ठीक है। अन्य तिलमीज मदरसी, मैं उस्ताद की शागिर्द हूँ। ठीक है। कलम उत्तालिब मकसूरुन, सर शागिर्द की क्या है? तलमीज तिलमीजा तिल शागिर्दा की अरबी तिलमीजा है और मुजक्कर हो तो तिलमीज है। तलमीज हाँ अगर मुजक्कर हो तो तिलमीज, अगर मोनस हो तो तिलमीजा। तलमीजा ठीक है। और बहन की सर? उख्त उख्त ठीक है। उख्त कलम उत्तालिब मकसूरुन, बाब उल बैत मफतूहन, घर का दरवाजा खुला हुआ है। खरज ठीक है। अल-मुदर्रिसु मिन अल-जामियतिल, क्या है कसर? खराजा निकला। अलमुदरिस उस्ताद, मिन का मतलब है से, अलमुदीरी हेड मास्टर या प्रिंसिपल। तो लफ्ज डालें कोई सही। कमरे से गुरफा दे, मैंने गुरफा दे। खरज अल मुदरिस, ठीक है। खराज अल मुदरिस मिन गुरफतिल मुदीरी सही है। आगे सही है तरकीब तालिया, वो कह रहा है कि जो सही करें जो निजी तरकीबात लिखी हुई हैं जुमले लिखे हुए हैं इनको आप सही करें, इनमें कोई गलती है। फातिमा साहब आप बताएं पहले 3 में क्या गलती है? पहला सर मुजाफ है तो उसमें अलिफ
नहीं आता है तो ये कलामु तालिब ही आएगा इसी। बिल्कुल ठीक है, आगे। बाबू सियापुर तो ये यानी कि सियारा जो मुजाफ ले है इसमें टम्बर ही आएगा, इसमें कसर आता है तो सियारत ही आएगा। ठीक है, बाबू सियारती, एक कसरा आएगी आखिर में, ठीक है जी, आगे। तो बिंतु हामिदी हामिदीन आएगा, बिंतु हामिदीन तो ऊपर ये उन्होंने डबल पेश आई तो लाही ठीक है जी, आगे हलीमा साहब आप बताएं। रसूलुल्लाह में अलिफ लाम आया है जो मुजाफ भी नहीं होता है रसूलुल्लाह होगा। ठीक है, इस्मुल वलदी इस्मुल वलद इस्मुल वलदी आखिर में कसरा आ जाएगा, ठीक है। मुदर्रिसी अब इबन पे तनवीन ल इबन पे तनवीन लगी हुई है, ये गलत है। मुजाफ पे तनवीन नहीं आती बल्कि दम्मा आती है, तो हम इसको पढ़ेंगे इबनुल मुदर्रिसी, तनवीन को उठा के एक दम्मा लगा दिया। आगे है, आगे ये हमें नज़र आ रहा है कि जो मुजक्कर नाम होते हैं या इंसानों को जब हम के लिए हम तनवीन इस्तेमाल करते हैं, मोहम्मद उन, उस्ताज उन, खालिद उन, वलद उन, मुजक्कर के लिए हम तनवीन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसी मुजक्कर को जब मुखातिब करते हैं तो हम तनवीन नहीं लगा सकते, अगर लगाएंगे तो गलत होगा। हम तनवीन की जगह सिर्फ एक दम्मा लगाते हैं, या मोहम्मदु, या उस्ताजु, या खालिदु, या वलदु, ठीक है जी। अब फातिमा साहबा पहले चार पे आप लगाएं। या अलीयू ठीक है, या अब्बासू ठीक है शेख शेख या शेख जी, फलीम आगे आप या करें। रजुलू रजुलू हलीमा आगे आपकी बारी है। या रजुलू या सिरुन या मारू दुक्तूरिन दुक्तोरुन या या दुक्तोरु, ठीक है जी। दुक्तूरु का मतलब दुक्तोर उस बंदे को कहते हैं जिसने पीएचडी की होती है, पीएचडी करने वाले बंदे को कहते हैं दुक्तोर। इकराल मसाल अल आती, नीचे दी गई सर मसाल जी पूछें। शेख शेख वो जिस बंदे के लिए इस्तेमाल होता है ज्यादातर, जी सर ठीक इकराल मुसाल आती सुम्मा कवीन असिलतन मुमिसलहु मुशीरन इला सूर तारिया, नीचे दी गई मिसालों को पढ़ें और जैसा मिसाल में दिए गए सवाल है उसी तरह का सवाल बनाएं, और सवाल ऐसा बनाना है जो तस्वीर की तरफ इशारा करता हो। जी फातिमा, किताब मन हाजा, ये किताब किसकी है, इस तरह के मजीद सवाल बनाएं तस्वीरों को देखकर। सर ये मैं ऐसे कर सकती हूँ अल कलम मन नहीं, अलिफ लाम नहीं लगा सकते क्योंकि जो किताब है वो मुजाफ है, कलम भी मुजाफ है, तो कलम मन हाजा। कमीसु मन हाजा, ठीक है जी। अलीम आगे आपकी बारी है। मन हाजा और ठीक है, ठीक है जी, आगे इस्मुन, इसको पढ़ें। इसमें वही बस हमजतुल वसल का जो हमने आपको पहले बता दिया था वही चीज़ उन्होंने यहाँ बताने के लिए पढ़ा हुआ है, तो ये पहली दो फातिमा लाइनें आप पढ़ें। इस्म है तो इस्म वाला दी मोहम्मद अस्मुल बिंती वस्मुल बिनती, अस्मुल बिनती सर वस्मुल बिनती हमजतुल वसल। मोहम्मद ये है वाला था लड़का लड़के का नाम मोहम्मद है और ठीक है, लड़की का नाम है सही है। इस्म मुदर्रिसी हामिद हामिदुन, जी उस्ताद का नाम हामिद है मस्मुल मुदर्रिस ठीक है जी। और जी अलीमा आगे पढ़े।
ابن خالد في المدرسة وابن حامد في الجادي. خالد کا بیٹا مدرسے میں اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے. جی. ابن المدثر في الفصل استاد کا بیٹا کلاس میں ہے. ٹھیک ہے جی. آگے وہ کہہ رہا ہے اکرام ماں یلی مرائین, وہ کہہ رہے نیچے دیے کہ ان کو پڑھے مرائین مد نظر رکھتے ہوئے قواعد حمزۃ الوسر کے جو قانون ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نیچے والے ان کو پڑھیں. جی فاطمہ پہلے تین آپ پڑھیں. ابن محمد ٹھیک ہے فی العراق صحیح وابنو ٹھیک ہے حامدین صحیح ہے فرجا ابن سر ایسے ہی ہے نا فرجا ابن طبیب من بیتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی صحیح ہے ڈاکٹر کا صحیح ہے. مارکیٹ تاجر کا بیٹا مارکیٹ کی طرف گیا. ٹھیک ہے جی. جی علیم آگے آپ کی باری ہے. مسمور راجلی ٹھیک ہے. ابن من انت یہ بیٹا کون ہے بیٹے آپ کون ہو بیٹے آپ کون انا انا ابن وزیر اور میں وزیر کا بیٹا ہوں. انا ابن الوزیری میں وزیر کا بیٹا ہوں. آگے الکلمات الجدیدہ نئے الفاظ ہیں چھ الفاظ فاطمہ صاحب آپ پڑھیں. الرسول رسول اس کو ہم اردو میں رسول ہی کہیں گے. جی چچا ٹھیک ہے جی. حلیمہ آگے آپ کی باری ہے. الحقیبتو بیک سیارتو گاڑی اشاری اور سڑک مغلقن بند تحت نیچے ہونا کا وہاں ہونا کا وہاں اشاری سڑک اشاری اور سڑک یہ مشہور سڑک ہے پاکستان میں بھی شار فیصل شار قائد اور اس طرح کی بہت ساری سڑکوں کے نام ہیں شار تو شار سڑک کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے شار مغلقن بند بند اور تحت نیچے تحت نیچے ٹھیک بیگ اچھا آگے ایسے آیا تو مدرسی گاڑی وہی بتایا انہوں نے کہ جو پہلا مضاف ہوتا ہے دوسرا مضاف لے مالک ملکیت والا سسٹم ہے. آگے 10 و 7 سے انشاءاللہ ہم یہ کل شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی.